हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दादरी से लेके और आपका अलीगढ़ तक का क्या 4 लेन का जो रोड है उसको 6 लेन का किया जा रहा है अब तेज़ी के साथ में। तो देख सकते हैं आप लोग कंस्ट्रक्शन इस पर चल रहा है और ये देख सकते हैं कि रोरी बजरी की जो पहली लेयर है वो गिर दी जा चुकी है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। यह पहले फोर लेन का हुआ करता था और यह अगले सरकार के राज्य में बना था, शासनकाल में बनाया गया था अगले सरकार के। अब यह मोदी सरकार चल रही है और योगी के राज्य में इसको 6 लेन का किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, क्योंकि पहले ये वहाँ तक था, ये जो रखी हुई है ये देख सकते हैं, ये यहाँ तक था पहले। और इस पर जो कंपनी वर्क कर रही है वो है एल एन टी द्वारा इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है NH91। और आपको बता दूं कि अलीगढ़ से और आपका मैनपुरी तक 6 लेन का हाईवे बना दिया जा चुका है पहले ही, और मैंने पहले भी वीडियो डाल चुकी है। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर लेना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों कंटिन्यू देखते रहो, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ। और आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ अलीगढ़ तक का सफ़र, क्या कहाँ कहाँ इस पर वर्क चल रहा है, क्या क्या वर्क चल रहा है, वो भी आप लोगों को दोनों साइड में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हो अभी यहाँ पर ये खुदाई तो कर दी गई है और इस पर रोरी बजरी की एक लेयर डाल भी इन्होंने दिया है। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप का ये 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है और अलीगढ़ से और आपको बता दूँ मैनपुरी तक बिल्कुल 6 लेन का पहले ही बना लिया जा चुका है। बस यही पैच था जो आपको बता दूँ कि लाल कुआं से गाज़ियाबाद, लाल कुआं से लेकर और अलीगढ़ के बीच में का ये पार्ट बचा हुआ है वो अब किया जा रहा है। और कंपनी जो यहाँ पर वर्क कर रही है वो है L&T द्वारा इस रोड को स्टैंड किया जा रहा है। तो आप लोगों को दिखाते हैं दूसरी साइड का भी, क्या दूसरी साइड में भी वो मिट्टी डाली जा रही है, तो आपको उधर का भी दिखाते हैं अभी, ठीक है? तो आप लोग बने रहो, देख सकते हो इस तरीके से ये बनाया जाएगा 6 लेन का। फिर इसके बाद में इस पर सर्विस लेन भी बनाया जाएगा अभी, तो 6 लेन का हाईवे होगा और सिंगल लेन की इस पर सर्विस लेन बनाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं उस साइड में, फिर आप लोगों को दिखाते हैं उस साइड का भी। और इस साइड में देख सकते हो, इस साइड में ये मिट्टी डाली जा रही है अभी इस टाइम पे, ये देख सकते हैं, क्योंकि 4 लेन का ही है, ये एक्सप्रेस वे है पहले से ही जो अखिलेश सरकार के शासनकाल में बनाया गया था और अब ये 6 लेन का किया जा रहा है योगी सरकार के शासनकाल में। दोस्तों तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, क्योंकि देख सकते हैं ये इसमें अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है और बीच बीच में वहाँ पर देखो उसने गड्ढे भी किए हैं, देख सकते हो उधर की साइड में। तो आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। और जो यहाँ पर ये जो जगह है ये है सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद है पूरा, वो सिकंदराबाद के लिए रोड भी चली जाती है वहाँ से। तो आगे सिकंदराबाद पड़े, मतलब सिकंदराबाद में ही है, और आप लोगों को दिखाएंगे बुलंदशहर में भी कि बुलंदशहर में कितना कुछ काम चल रहा। तो यही चल रही है मिट्टी, देखो मिट्टी डाली जा रही है और इसके स्टैंड किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे होगा, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे ये होने वाला है। और आपको बता दूं कि गाज़ियाबाद के लाल कुआं से लेकर और ये आखिर अलीगढ़ तक ये जाएगा ऐसे ही बनता हुआ, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी तो इस वजह से इसको 6 लेन का किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी हाईवे यही है NH91, NH31 भी बोल सकते हो, NH91 भी बोल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो इन्होंने इसकी कटाई की है, ये इस तरीके से कटाई की जाती है, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो, कंटिन्यू मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कौन सा हाईवे कहाँ बनाया जा रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को केपी संत के चैनल पर अपडेट मिलते रहते हैं डेली के डेली। तो आप लोग देखो और एंजॉय करो दोस्तों।
सकते हैं गाइस कि इस तरीके से ये रोड को चौड़ा किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये दादरी से लेकर और ये अलीगढ़ तक के बीच का पार्ट इसको चौड़ा किया जा रहा है। और इसको देखो, ये मशीन है जो काट रही है इस रोड को। काटने के बाद में फिर इस पर दोबारा इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी रोड टूटी हुई है हमारे लाल कुआं गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ तक का रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। उसमें सारे में टिकरियाँ लगी हुई हैं, हड़र 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 होता रहता है। और ये अब इतने सालों के बाद में जब से ये हाईवे बना है, तब से ये अब जाके इस पर दोबारा इस पर ब्लैक टॉप किया जा रहा है। पहला जो ब्लैक टॉप है उसको काटा जा रहा है और उसी को मतलब उसकी साफ सफाई करके और वही मिक्सर प्लांट में डाल के और उसी को ही इस पर ब्लैक टॉप किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है आप सभी लोगों के बीच में गाइस, कि कहाँ पर कितना वर्क चल रहा है वो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो। तो देख सकते हैं कहीं कहीं पर इस पर ब्लैक टॉप किया जा रहा है, कहीं इस पर मिट्टी की लेयर डाली जा रही है, कहीं इस पर रोड को काटा जा रहा है जो पहले वाला है। तो देख सकते हैं यही वर्क चल रहा है अभी पूरी इस रास्ते पर लाल कुएं से लेकर अलीगढ़ तक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते किसी नई वीडियो।